What's up everybody? Welcome to Miles on Bike. This is Randeer Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. आज हम जा रहे हैं explore करने के लिए उमेद भवन पैलेस. रॉयल फैमिली है वो वहाँ पर अभी भी stay करते हैं. उसका कुछ part एक 5-star luxury होटल में बना दिया गया जहाँ पर अभी निक जोनास और प्रियंका चौपड़ा की शादी हुई थी. और कुछ पार्ट है म्यूजियम जो हम देखने जा रहे हैं. चलो एक्सप्लोर करके आते हैं. Let's go, man. Let's go. Hello. Hi guys, we have arrived at Umaid Bhavan Palace. Tickets were of 30 rupees each. यहाँ पे कैमरा की टिकट नहीं लगती है, कैमरा फ्री है, लेकिन ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं. मैं सरुण सिंह बटा का लोकल गाइड हूँ. जो आपने पहले मेहरानगढ़ फोर्ट देखा था वो इनका पुराना किला था. पहले रॉयल फैमिली पूरी वहाँ रहती थी. प्रेजेंट रॉयल फैमिली है वो यहीं पे रहती है. महाराजा गज सिंह जी सेकंड वो यहीं पे रहते. उनके फैमिली में टोटल अभी 7% है. पहले 8% थे. एक का देहांत अभी 3 मंथ पहले हुआ. राजमाता कृष्ण कुमारी जो गुजरात के दागेंद्रा से थे. अभी आप उमेद भवन पैलेस चित्र पैलेस में. इस एक ही पैलेस के दो नाम, एक उमेद भवन पैलेस एक चित्र पैलेस. इसका नाम उमेद भवन पैलेस इसलिए रखा गया कि महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया, तो इसका नाम उमेद भवन पैलेस. और सेकंड बात के चित्र पैलेस, तो चित्र पैलेस का नाम इसलिए है कि ये चित्र की पहाड़ी पे बना है, तो इसका नाम चित्र पैलेस रखा गया. इस पैलेस को बनाने का कारण था अकाल. अकाल बनने के कारण इस पैलेस का निर्माण कराया था. इसका निर्माण 1929 से 1944 तक चला, लगभग 14 से 15 साल. यहाँ पर 3000% काम करते थे. इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है वो जोधपुर में महाराजा उमेद सिंह ने बनाया. राजा होने के साथ साथ एक अच्छे पायलट भी थे. उमेद भवन पैलेस में 3 पार्ट, 70% है वो होटल है. ताज उमेद भवन पैलेस चलाता है, लगभग 15 से 16 साल हो. ऑल ओवर वर्ल्ड बेस्ट होटल 2016. इसका रूम रेंट है वो लगभग 50,000 से लेके 7 लाख रुपए तक एक दिन का. 24 आवर्स. ओह माय गॉड. बेस्ट होटल होने के साथ साथ बेस्ट वेडिंग हॉल भी है ये. हाल ही में जो प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी वो यहीं पे हुई. 2013 में यहाँ पर नीता अंबानी का बर्थडे भी यहीं पे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था. इस पैलेस को बनने में सीमेंट यूज नहीं हुआ, ये पत्थर ऑटोमेटिकली आपस में लॉकिंग सिस्टम है. इस पैलेस को बनाने वाला आर्किटेक्ट था वो हेनरी लैंचेस्टर था. हेनरी लैंचेस्टर एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर सीमेंट से चिपका हुआ नहीं है, इसको आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम है. पत्थर भारी होने के कारण एक पत्थर जब दूसरे पत्थर के ऊपर रखते थे तो पत्थर टूट जाता था. तो इनके ऊपर एक पत्थर के ऊपर आइस रखते फिर ऊपर पत्थर रखते थे. जैसे आइस पिघलता था एक पत्थर दूसरे पत्थर में ऑटोमेटिकली लॉकिंग सिस्टम हो जाता. इसको पजल गेम की तरह है, इसको खोला भी जा सकता है. okay. वर्ल्ड का लास्ट पैलेस है, इसके बाद में कोई पैलेस नहीं बना है. 1944 में इसका काम समाप्त हुआ था और 1944 में इसका उद्घाटन हुआ. और इसका उद्घाटन करने वाले महाराजा उमेद सिंह जी के सबसे छोटे लड़के दिलीप सिंह जी के हाथों से कराया. पैलेस पूरा एयर कंडीशनर उस समय का एसी प्लांट लगा हुआ है. वायर देखने को भी नहीं मिलेगा. जो भी आज हम नए घर बनाते हैं तो अंडरग्राउंड फिटिंग कराना पसंद करते हैं कि वायर किसी को नजर नहीं आए, तो इस पैलेस में पहले से अंडरग्राउंड फिटिंग है. ये जो आप फोटो देख रहे हैं प्रेजेंट किंग महाराजा गज सिंह जी के ग्रैंडफादर महाराजा उमेद सिंह जी की फोटो है. इन्होंने उमेद भवन बनाए. महाराजा होने के साथ साथ एक अच्छे पायलट भी थे. महाराजा उमेद सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, महाराजा अजीत सिंह जी. तो ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी. कॉन्फ्रेंस मीटिंग का कारण ये था कि राजस्थान का कैपिटल, हाल ही जो राजस्थान का कैपिटल है वो जयपुर है, पहले जोधपुर बना था. लेकिन कारणवश इन्होंने एक पॉइंट किया कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान होने के कारण अगर वहाँ से हमला करते हैं तो पूरा स्टेट उनके हवाले चले जाएगा. महाराजा उमेद सिंह जी और इनकी रानी बदन कंवर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ओसिया है, वहाँ इन्होंने शादी की थी. और इनके 5 बच्चे हुए, 4 लड़के 1 लड़की. सबसे बड़े लड़के महाराजा हनुमंत सिंह जी जो प्रजन किंग के फादर, उनके भाई दिलीप सिंह जी, हरी सिंह जी और सिस्टर राजेंद्र कंवर. प्रजन किंग महाराजा गज सिंह जी. सबसे बड़ी सिस्टर चंद्रेश कुमारी जो कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं अभी 94 ईयर के. इसमें आप देख रहे हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर हाईकोर्ट, जवाई डैम और आइस कैंप. आज से 70 साल पहले महाराजा उमेद सिंह जी ने ऐसे आइस कैंप लगाए जो आम जनता मतलब गरीबों के लिए जिनके पैसे नहीं होते थे उनके लिए आइस कैंप निःशुल्क. ये पोलैंड के पेंटर थे जिन्होंने पेंटिंग ये बनाई है. ये मुगल्स और राजपूत के बीचों की फाइट थी. पैलेस में कुल लागत आई थी 94,51,565. इस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा थे. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पैसे कहाँ से है. पहले सिल्क रूट था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो व्यापारी आते थे तो उनको रुकने के लिए जगह और उसमें यूज होने वाले साधन ये प्रोवाइड कराते थे. उस हिसाब से वो लगान के रूप में पैसे देते थे या उस समा देते थे. उससे इनको पैसे इकट्ठे हुए और पैलेस का निर्माण हुआ. पीछे देखेंगे आप 12 दड़ी 12 पिलर है, तो इसका नाम 12 दड़ी रखा गया. जो भी रॉयल वेडिंग होती है वो यहीं पे होती है. पैलेस का बैक साइड है. ये मेन सेंटर डोम जो अभी होटल पार्ट के पास है. ये मेन एंट्रेंस है जो होटल का एंट्रेंस. ये महाराजा स्वीट का बाथरूम है, रूम जिसमें रियल टाइगर्स के जो पोलैंड के पेंटर जिन्होंने पेंटिंग बनाई. पूरे पैलेस में 347 रूम है. हर रूम में लगभग 1 से 2 आपको पेंटिंग मिलेगी. तो ये स्टीफन नॉरिन पोलैंड पेंटर, इन्होंने यहाँ पर कार्य किया. तो हमारे म्यूजियम में इनको सम्मान देने के लिए इनकी फोटो रखी गई है फैमिली के साथ. इसके अलावा दीवाने खास जहाँ रामायण की पेंटिंग करते हुए
और ये मेन सेंटर डोम है, उसके अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल है जो भी होटल पार्ट के पास। ये महाराजा स्वीट रूम, उसकी पेंटिंग देख रहे हैं आप। अब आप देखेंगे रियल लेवल की स्क्रीन, महाराजा उमेद सिंह ने इनका अंडिंग किया था। पहले ये राजाओं के लिए फोटो सेशन था, आज आप जनता मतलब पहले अंदर रखा हुआ था, आज बाहर रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे परजन किंग महाराजा गज सिंह जब 2 साल के थे उसमें उनका फोटो भी है, और ये स्क्रीन रियल है, इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। वो देखो उन्होंने गाड़ी के ऊपर टाइगर पड़ा हुआ है जो उन्होंने हंट किया है, और ऊपर उनके लेपर्ड पड़ा हुआ है उमेद सिंह जी के जिन्होंने हंटिंग करी हुई है, और ये उनके ओरिजिनल स्किन है उस जिसको उन्होंने अंदर स्टफ कर रखा है भूसे से। इस रूम में आप रॉयल फैमिली के बारे में जानेंगे, परजन किंग महाराजा गज सिंह जी के फादर हनुमान सिंह जी जो 33 साल की उम्र में ब्रेन कैस हो गया था जब इनका देहांत हुआ था, तो परजन किंग महाराजा गज सिंह जी 4 ईयर के थे। इनका राज तिलक मेहरानगढ़ हुआ था, जहाँ मेहरानगढ़ गए थे वहीं पर इनका राज तिलक हुआ था। ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के लिए चले गए थे और पढ़ाई क्लियर करके वापस आए अपना परिवार समय, जब ये 50 साल हुए उस समय का फोटो है। इनकी फैमिली के बारे में, ये ओल्ड फोटो है, ये परजन फोटो है। और आप देखेंगे महाराजा गज सिंह जी, युवराज शिवराज सिंह, महाराजा हेमलता जी, राजमाता कृष्ण कुमारा जी, और इनकी लड़की शिवनंदिनी बाई लाल सिंह। लाइट फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, नवरात्रा फेस्टिवल, ये आपने मेहरानगढ़ फोर्ट में चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ पर नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं। अब आप देखेंगे बेल्जियन ग्लास से बना हुआ फर्नीचर जो बहुत ही सुंदर है। ये 1936 की लेकर मेन्यू है, इतने सारे टाइप के लेकर मिलते हैं। जोधपुर जो प्रसिद्ध है हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लकड़ी के ऊपर एक सुंदर सी कारीगरी देख रहे हैं आप। ये हैंडीक्राफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हैंडीक्राफ्ट जाता है वो जोधपुर से जाता है, कारण यहाँ पर बरसात न होने के कारण आम जो जनता है उनका कार्य हाथ का ही है। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं कपड़े भी यहीं मिलते हैं, जिसमें जोधपुरी बांधनी, टाई डाई, ब्लॉक प्रिंट, ये सभी जोधपुर में तैयार होते हैं। ये देखिए पोलो सेशन, अलग अलग राजाओं के द्वारा जीती गई ट्रॉफियाँ। जब फॉरेनर आते थे तो राजा के लिए परफ्यूम लाते थे, तो यूरोपियन परफ्यूम बोटल से है ये जो बेल्जियन ग्लास से बना हुआ है, और फूड बाउल्स, कैंडल स्टैंड, ये सभी आइटम है जिसमें इंक बोटल्स, स्टैम्प, पेपर कटर, पेपर वे। ये उस समय का फैन है, और इसके पंखे जो है वो लकड़ी के, आज भी चलता है रेगुलेटर पंखा का। ओके, मुझे वो करने लग गया। और जो सामने आपको पेंटिंग दिख रही है वो रामायण की है, जिसको बनाने वाले पोलैंड के पेंटर स्टीफन नॉर्मले। राम लक्ष्मण लव कुश और पूरी सीता माता वापस जमीन में समाधि लेते हुए, जब सीता का हरण किया उस समय का आप पेंटिंग देखेंगे, जिसमें एक रावण बहुत ही विशाल काय में बताया गया, और सीता माता हाथ में उनके। ये जोधपुर का लोकल स्टोन है, सैंड स्टोन है, तो आप देख सकते हैं ये 1944 का स्टोन है, योद्धा के पास जो मतलब आर्मर होना चाहिए तो उसका बताया गया है। क्या आप विलेज सफर भी कर सकते हैं, विस्ने विलेज, वहाँ पर आप देखेंगे
साइबेरियन पक्षी, विष्णु विलेज का कल्चर वो कैसे रहते हैं, इसके अलावा कुम्हार जो मटका बनाते हैं, और ओपीएम वाला भी कुछ, ओपीएम सेरेमनी, ओपीएम सेरेमनी उसी विलेज में होता है। जैसे आपने ओपीएम सेरेमनी मेहरानगढ़ में फोन में देखा होगा, जब पहले राजा युद्ध करने जाते थे तब ओपीएम मतलब ड्रग्स लेके जाते थे, उनसे घाव लगने पर भी उनको दर्द न हो इसलिए ड्रग्स। आज जो युवा यूज करती है वो सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने नशे के लिए करती है। तो गलत बात है, तुम लड़ाई करने जा नहीं रहे फिर भी ओपियम पीते हो। तो हमारे यहाँ पर काफी ओपियम का यूज होता है, सरकार की ओर से प्रतिबंध है, लेकिन तो भी यहाँ पर मतलब आ जाता है कहीं से। तो सर ने हमारे को बताया कि इनकी फैमिली में, रॉयल फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, बट दीज गाइस सेलिब्रेट 2 बर्थडेज, एक हिंदी कैलेंडर से और एक इंग्लिश कैलेंडर से। तो इनका हर महीने हर मंथ एक बर्थडे होता है, तो ये हर महीने खुश रहते हैं। तो सर ने एक बहुत सिंपल बात में, खुश रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो इनका एक तरीका है कि इन्होंने बर्थडे सारे हर महीने में कर दिए, तो ये हर महीने जश्न मनाते हैं। पूरे क्लियर होने के बाद ही 2 बर्थडे बन जाते, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान खुशी रहना चाहता है तो कैसे भी खुशी रह सकता है। जिन्होंने ये उमेद भवन पैलेस बनाया वो बहुत एक अच्छे पायलट भी थे, उन्होंने प्लेन्स का बहुत शौक था, उनके पास 7 मॉडल्स थे प्लेन के। अगर ये फोर्ट में जो फ्लैग लगा हुआ है इसका मतलब कि राजा अंदर ही हैं, और ये जो उमेद हेरिटेज होटल है इसकी ये मेन एंट्रेंस है। सारे लैंप बेल्जियन ग्लास के, ये जो पूरा डोर है ये पूरा डोर वुड का नहीं है, अगर हमें लग रहा होगा ये ब्रास का बना हुआ। म्यूजियम पार्ट है जो वो ओवर हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं कार्स देखने। इनकी विंटेज कार्स हैं, और वो कार्स अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, और वो लोगों को दिखाने के लिए रख दी गई हैं। जो गाइड हैं उन्होंने हमारे को बताया कि ये जो कार्स हैं ये राजा अभी भी यूज करते हैं, और जिस दिन मतलब कहीं पर भी ट्रैवल करते हो हर दिन डिफरेंट कार लेके जाते हैं। और अगर आप होटल की बुकिंग करते हो तो आपको पिकअप और ड्रॉप का जो ऑप्शन मिलता है उसमें आप कार चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी कार पिक करने आएगी और ड्रॉप भी करने जाएगी। आज राजा जी ये वाली कार लेके गए इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके अंदर खड़ी थी ब्यूइक 8 रोड सर, 8 सिलेंडर कार है, 8 सिलेंडर, इतनी पुरानी विंटेज कार, उतनी तेज नहीं जाएगी बट उस टाइम के हिसाब से भी काफी पावरफुल है, बिकॉज़ इट हैज गॉट 8 सिलेंडर्स एंड दिस इज अ रोल्स रॉयस फैंटम 2। इसके नंबर ऑफ सिलेंडर 6 है, और बॉडी टाइप सैलोन कन्वर्टेबल। और ये वाली जो कार है बहुत ये उस रोल्स रॉयस से भी ज्यादा लंबी, क्योंकि इसमें सिटिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, लिमोजिन काइंड ऑफ इसका जो अंदर का इंटीरियर है। और ये रही कैडिलैक, वाओ इतनी ज्यादा ब्रॉड कार है ना, ये इनकी हाइट भी काफी ऊंची है, मतलब नॉर्मल कार से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये रॉयल कार है भाई, ह्यूज है, ह्यूज। टोटल कितनी कार है यहाँ पर? दिसंबर में विंटेज कार की रैली निकलती है, वो रैली यहीं से शुरू होती है, उमेद भवन पैलेस से पोलो ग्राउंड है वहाँ तक जाती है। तो इनके भाई है महाराजा अजीत भवन है, रणमंका है, तो इनके सब में कारें बटी हुई है, ताज हरी महल है, दिलीप सिंह गार्डन, तो सबके पास इनके पास विंटेज कार है। तो विंटेज कार लगभग आपके 35 से 30 कारें हैं। ये एक और कैडिलैक है, ये बाहर गई हुई है, आज मैच है पोलो का, ये 1906 की ओवरलैंड है, ये अभी भी वर्क करती है। इसके जो रिम्स हैं वो वुडन रिम्स हैं, और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है कार। ये एक रोल्स रॉयस जो इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम 1 है, उसको पूरे वर्ल्ड में बेस्ट कार का अवार्ड मिला हुआ है, और वो अवार्ड वहाँ पड़ा हुआ है जो वहाँ एक गाड़ी सी जो बनी हुई है छोटी सी। ये है मॉरिस कवर, और ये रीपेंट होकर आई है फिर से एक बार, मतलब ये अगर तुम कंपेयर करो बाकी कार से तो छोटी लगेगी, नॉर्मल आज की कार इतनी होती। तो दोस्तों हमने जो इनमें से कारें देखी, इनमें से 2 कारें रेस्टोर होके भी आ रही है, और सारी की सारी कार्स वर्किंग कंडीशन में, अच्छी बात। और गाड़ियां बहुत तगड़ी, जो इनिशियली जो 3 कार खड़ी ना बड़ी बड़ी उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो उनको देख के आपको मजा आ जाएगा कि इतनी लंबी भी कोई कार होती है क्या। पूरी लिमो है वो, जो मर्की S600 है ना उससे कंपेयर कर लो, मर्की S600 छोटी लगेगी, वो इतनी लंबी कार है, जितनी ऊंची है उतनी लंबी है, उतनी चौड़ी है। आपने हमारी इतनी हेल्प करी, हमारे को बहुत अच्छा लगा। मैं सरवन सिंह भाटी यहाँ पे गाइड हूँ, अभी से मैं आप ही को भी आने का मौका मिले तो जरूर मेरे को कॉल करना, मेरा नंबर है 7568160307।
तो दोस्तों उमेद भवन पैलेस का ये जो एक पूरा का पूरा टूर था वो कंप्लीट हो चुका है। और उमेद भवन पैलेस में एक छोटा सा कैफे है, उस कैफे की कुल्फी बहुत फेमस है। आप यहाँ पर आओ तो वो कुल्फी आप जरूर एक्सपीरियंस करना खा के। हम भी खा रहे हैं और अच्छी कुल्फी है, केसर कुल्फी राजस्थान की फेमस ही फेमस है। बहुत अच्छी केसर कुल्फी, बहुत अच्छी कुल्फी। तो इसी अच्छी कुल्फी के साथ और इसी अच्छी फीलिंग के साथ आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजा दो ना। एडियोस अमिगोस।